आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण मोकामा का, विधानसभा का, हर जाति धर्म के लोग ने यह तय कर लिया कि मुझे अपना आशीर्वाद कमल छाप पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना है। कीचड़ है ही नहीं तो कमल कहाँ खिलेगा? कीचड़ में ही न कमल खिलता है। नहीं, मोकामा में कीचड़ ही नहीं है तो ये कौन कहता है कि जैसे डिबेट कर दीजिए 1000 बुद्धिजीवी का, सारी जाति धर्म के लोगों का, इसमें जैसे की दम है जो क्यों विकास करेगा, ये सवाल कीजिए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मोकामा में होने वाले उपचुनाव का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सोनम देवी और नीलम देवी दोनों नामांकन के लिए पहुंची हैं और हम आपको दोनों की तस्वीरें भी दिखा चुके हैं। लेकिन सोनम देवी के नामांकन में सूरजभान सिंह भी पहुंचे हैं। जी हाँ, वहां पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष मौजूद है और उन्होंने ग्राउंड से सूरजभान सिंह से बातें भी की है कि मोकामा में तो कीचड़ ही नहीं है। ऐसा नीलम देवी का कहना है कि मोकामा में कीचड़ ही नहीं है जो कमल खिलेगा। इस पर सूरजभान सिंह क्या कुछ जवाब दे रहे हैं और क्या कुछ बातें कर रहे हैं, पहले आप ये पूरा का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त सूरजभान सिंह है हमारे साथ। सर, आज सोनम देवी आई थी, नामांकन भर दिया है, क्या लग रहा है, जीत कैसी रहेगी इस बार? अच्छा, आपके यहाँ हम दिन भर आप मजदूरी कर रहे हैं जिस प्रेस में जी, तो क्या आपको मजदूरी एक जैसे कि नहीं मिलेगा तो बच्चे खाएगा? नहीं। हाँ, कितना दुख लगेगा मजदूरी नहीं देगा तो? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वहाँ किए, सुने होंगे कि जैसे बाढ़ आए थे मोकामा टाल में, टाल को करने के लिए, पुल को करने के लिए, 6 लाइन के करने के लिए, रेल पुल के करने के लिए, फर्टिलाइजर करने के लिए, क्या उस मेहनत इतना चीज खटे, उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण मोकामा का, विधानसभा का, हर जाति धर्म के लोग ने यह तय कर लिया कि मुझे अपना आशीर्वाद कमल छाप पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना। लेकिन कह तो रहे हैं कि कीचड़ है ही नहीं तो कमल कहाँ खिलेगा? कीचड़ में ही न कमल खिलता है। नहीं, मोकामा में कीचड़ ही नहीं है तो ये कौन कहता है कि जैसे डिबेट कर दीजिए 1000 बुद्धिजीवी का, सारी जाति धर्म के लोगों का लिस्ट नंबर लीजिए, पाल पंडाल का खर्चा मेरे तनख्वाह से रहेगा और उसमें बैठ के आप संपूर्ण चैनल वाले बिहार के बैठिए कि विकास किसे कहता है, विकास किस चीज का नाम है, ये विकास कौन किया है, अब बचा हुआ विकास के कार्य है इस किसमें जैसे की दम है जो कि वो विकास करेगा, ये सवाल कीजिए, इस पर डिबेट कीजिए। तो आपने सूरजभान सिंह की बातें सुनी, आपको बताते चले उनका साफ कहना है कि कौन कहता है कि मोकामा में कीचड़ नहीं है। उन्होंने जीत के दावे भी किए हैं कि जीत तो हमारी ही पक्की है, मोकामा से बीजेपी ही जीतने वाली है। हालांकि ये दावे नीलम देवी भी कर रही है, लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार मोकामा का रिजल्ट क्या होता है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।